ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਉਤੀ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਟਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ 10 ਟੈਂਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ। अच्छ मीटिंग जी लास्ट बारी हो रही है किसानों की, तुम लगता है कोई ना कोई हल निकलू क्योंकि लगातार मीटिंग मीटिंग हो रही है? देखो निकलना चाहिए, हम लंबा लटका नहीं पानी चाहिए, हम हल निकलना चाहिए, छेती हल करना चाहिए ता जो लोगों की होर मुसीबत ना बधे। बहुत सारे परिवार उत्थे बैठे और बड़िया मौतें हो चुकी हैं। काले कानूनां खिलाफ किसानां दे अंदोलन नूं अज 40वां दिन हो जाण ते केंद्र सरकार डिक्टेटराना बनी हुई है, पर पंजाब दे किसानां ने पहला भी बहुत सारिया मल्ला मारते हुए संघर्ष जीते ने, अते हुण इह तिन्ने काले कानून रद्द करवाउण ते ही किसान घर परतणगे। देश दा मुखी ओही सियाणा हुंदा है जो लोकां दी आवाज ते मुसीबत नूं सुणदा है। इह गल्लां प्रतिक्रिया दिंदे होए SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने पत्रकार नाल गल्लबात करदे सांझे कीते। उन्हां कहा कि तिन काले कानूनां नूं रद्द करवाउण लई अज देश दा किसान 40 दिनां तों दिल्ली बॉर्डर ते ठंड विच धरना लगा के बैठे ने, अते इस दे नाल ही मीडिया भी पूरी तरह किसानां दे अंदोलन नूं दिखा रहा है, परंतु मोदी सरकार डिक्टेटराना ढंग नाल चल रहे ने। जेकर अज भारत सरकार इन्हां किसानां दी गल नहीं सुन रही तां समझो कि लोकतंत्र खत्म हो गया। बीबी जगीर कौर ने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह दे उस टाइम खालसा राज नूं लोक इस करके याद करदे ने कि उस टाइम दे विच कोई भी रात नूं भुखा जां नंगा नहीं सौंदा सी। अज बेइंसाफी हो रही है, सारी दुनिया किसानां दी आवाज उठा रही है, उत्थे मीडिया दे इन्ने प्रचार करन तों बाद भी प्रधानमंत्री दे कान ते जू नहीं सरक रही। मोदी सरकार किसानां दी आवाज नहीं सुन रहे, साडे लोकां नाल बहुत वड्डा धक्का ते वितकरा हो रहा है। श्रोमणी अकाली दल दा बच्चा बच्चा किसानां दे नाल है। चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ा किसानों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया है, गलबात करते हैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान बीबी जगीर कौर के नाल। किस तरह देख दो जिहड़ा अज प्रबंध किया गया है, की संदेश है? देखो असी महसूस किया भी सिंघूपुर बॉर्डर से भी बड़ा प्रबंध है, टिकरी बॉर्डर से बड़ा है, गाजियाबाद उधरले पासे उत्तराखंड तो आए उत्थे भी असी प्रबंध किए, सारे लंगरां दे रिहायश दे टॉयलेट्स दे सारा कुछ, तो ये असी सारा सर्वे कराया सी कि जो चलते है लोग अमृतसर तो लैके तो रस्ते विच कोई बड़े लंगर नहीं सी, भावें साढ़े गुरुद्वारे च प्रबंध है मंजी साहब दीवान हाल अंबाले च फतेहगढ़ साहब, क्योंकि कई बार सड़क तो उतर के लोग ही नहीं जाते, वो असी महसूस करते सी कि लोगों को तकलीफ आ रही है कि रस्ते विच खलोना उन्होंने औखा होंदा, फिर ये तां कीता सी एक तो GT रोड के उत्ते है, एक इतने लंगर लगेगा, लोग घड़ी रा साह भी ले लेंगे है, दूजा जे किसी ने रात पै जाए बहुत ही लेट हो जाए जां किसी नूं कोई मुश्किल आ जाए वो रुकना चाहे तो इतने भी रुकने का भी प्रबंध किया कि 400-500 व्यक्ति की रिहायश का प्रबंध करके कि जेड़ा भी आए वो अपनी रिहायश कर सके। दिल्ली की गल की जाए दिल्ली के अब जो मीह पिया जो किसानों के टेंट सारे खराब हो चुके हैं, कि दिल्ली की श्रोमणी द्वारा प्रबंधक कमेटी को कोई उत्थे टेंट का भी प्रबंध किया जाएगा, टाट का भी कोई प्रबंध किया जाएगा? साढ़े ऑलरेडी 10 टेंट उत्थे लग चुके हैं, वाटरप्रूफ सारे वाटरप्रूफ है, सारे के बिस्तरे लगे हुए हैं, सारे लंगर चल रहे, उस तरह भावें वह बारिश आई है भावें रुकी है साडा सेवा उदा ही चल रही बदस्तूर। अच्छा मीटिंग जी लास्ट बारी हो रही है किसानों की, तुम्हें लगता है कोई ना कोई हल निकलू क्योंकि लगातार मीटिंग मीटिंग हो रही है? देखो निकलना चाहिए, हम लंबा लटका नहीं पानी चाहिए, हम हल निकलना चाहिए, छेती हल करना चाहिए ता जो लोगों की होर मुसीबत ना बधे। बहुत सारे परिवार उत्थे बैठे और बड़िया मौतें हो चुकी हैं, ये तो बाद हम टेस्ट नहीं लेना चाहिए भारत सरकार को, इन्ना बड़ा जुल्म हो गया, इन्ने लोगों का साढ़े नुकसान हो गया, जाना परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, सारा इकोनॉमिकल ढांचा जरा खत्म हो जाता है, जो पंजाब के लोग देश के दे लोग नहीं चाहते तो उन्होंने छेती फैसला करना चाहिए। लास्ट सवाल है, बेदबियां जो लगातार हो रही ने हूँ भी जो बेदबियां जरा नहीं रुक रही, की लगता श्रोमणी कमेटी वालों की प्रबंध किए जा रहे हैं? गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी कभी हो ही नहीं सकती, एक रोशनी है, एक जोत है, एक चानण है, बेदबी करने वाले गैर सिद्धांतक मनमती ते वो लोग हो सकते जिन्होंने पता ही नहीं गुरु का सत्कार की है, सत्कार करना हर सिख का फर्ज है, जे कोई गलती करता वो गलती है, लेकिन गुरु के अदब में कोई फर्क नहीं पै सकता। तुम्हें लगता पंजाब सरकार ने कोई एक्शन लेना चाहिए इस संबंध में जो बेदबी होती है कोई? सरदार प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री से उस वेले ही कानून बना दिता होया कि उन्होंने सज़ा लाइफ टाइम सज़ा दी जाती है। तो बिल्कुल जिस तरह प्रधान श्रोमणी द्वारा प्रबंधक कमेटी के ने बीबी जगीर कौर जी ने कहा कि जो किसानों के लिए जो अज
शंभू का जोड़ा नेड़े है वह प्रबंध किया गया है। सो किसान जोड़े और जा रहे हैं उन्होंने खास तौर पर रहने का भी प्रबंध है और लंगर का भी प्रबंध है। चढ़दी कला टाइम टीवी पटियाला तो अमरजीत सिंह की रिपोर्ट।